हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल जिप्सा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में लेक्चर के डेफिनेशन देखे थे, उसी तरह से आज के नए वीडियो की ओर हम लोग चलते हैं, जिसमें नए टॉपिक में जिसमें उसके टाइप्स की ओर हम लोग चलते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। दोस्तों, क्या है टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, जिसमें हम लोग डिस स्टैंडर्ड्स वीडियो जो देखे थे उसी में हम आज भी देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। तो चलिए हम लोग फर्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर में जो हमारा फर्स्ट है एवल्सन फ्रैक्चर। एवल्सन फ्रैक्चर लीजिए, क्या होता है, मसल और लिगामेंट्स पुल ऑन द बोन फ्रैक्चरिंग इट, मतलब इसके वजह से मसल्स एंड उसके बोन में क्या हो सकते हैं, फ्रैक्चर होने का चांसेस हो सकते हैं। देन नेक्स्ट है कंप्लीटेड फ्रैक्चर, दिस इज आल्सो कॉल्ड लाइक क्रश इंजरी भी बोल सकते हो आप। इसमें क्या है, इसकी वजह से कंप्लीटेड फ्रैक्चर मेनी पीसेस ऑफ द बोन, मतलब बहुत सारे क्रश इंजरी होने की वजह से जो फ्रैक्चर है, जो बोन है, बहुत सारे मेनी पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं। नहीं, उसी तरह से कंप्रेशन एंड क्रश इंजरी फ्रैक्चर है, जो कि आपका सिमिलर है कंप्लीटेड फ्रैक्चर की वजह से, क्योंकि क्रश हो जाना अगर रोड एक्सीडेंट्स या फिर व्हीकल एक्सीडेंट होने की वजह से, इस तरह से वहाँ पे फ्रैक्चर होने का आपको सिम्टम्स आपको वहाँ पे फ्रैक्चर आपको देखने को मिलेगा, जो कि लेकिन ये सब इन्वेस्टिगेशन से ही आपको पता चलेगी, एक्सरे इमेजेस से पता चलेगी। देन नेक्स्ट है फ्रैक्चर डिसलोकेशन, इसमें हम लोग फ्रैक्चर डिसलोकेशन कैसे होता है, अगर डिसलोकेट ऑफ द बोन, फ्रैक्चर हमारा जो जॉइंट्स है वहाँ से डिसलोकेट हो जाना, उसको हम लोग फ्रैक्चर डिसलोकेशन बोल सकते हैं। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में क्या होती है, अपना व्हेन अ बोन फ्रैक्चर इन पीस ऑफ द बोन में इम्पैक्टेड अनदर बोन, मतलब इसके क्या है मेनी पीसेस में और अदर जगह पे वहां पे आपको फ्रैक्चर होने की लाइक क्रश इंजरी वहां पे फ्रैक्चर इन द बोन मीड ऑफ द बोन में, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। देन इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर जो की है, दिस ओपन्स अ मेजर फ्रैक्चर एक्सटेंड इनटू द सरफेस ऑफ द जॉइंट, जो कि जॉइंट से हमारे वहां पे फ्रैक्चर होने के चांसेस वहां पे देखने को मिलेंगे। नाउ ही ट्विटर फ्रैक्चर, दिस इज व्हेन द फ्रैक्चर एक्सटेंड अलोंग द लेंथ ऑफ द बोन, मतलब ये क्या होता है लंबे में लंबी ट्विटर क्या होती है, जो आपको वहां पे बोन एक बोन के स्ट्रेट फॉरवर्ड वहां पे आपको इस तरह से फ्रैक्चर होने का, जो कि एक्सरे इमेज में आप आसानी से देख सकते हैं। ऑब्लिक फ्रैक्चर बोला जा रहा है, दिस इज द सिमिलर फॉर ऑब्लिक लाइक ऑब्लिक, जिस तरह से एक साइड बोन के एक ही जगह में ऑब्लिक फ्रैक्चर हुआ है, उसी तरह से कंटिन्यू ऑब्लिक, जैसे कि आपको अगर एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स हो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, दिस ऑकर्स व्हेन द अंडरलाइंग कंडीशन बिटवीन द बोन एंड द कॉजेस ऑफ फ्रैक्चर, अगर हमारी डिसीज है कुछ प्रीवियस डिसीज जिसमें हमको इस तरह के प्रीवियस डिसीज को देखने को मिलेगी, हमको अगर प्रीवियस डिसीज है पहले से हिस्ट्री में, तो इस तरह से वीकन होने की वजह से बोन वीक हो जाने की वजह से फ्रैक्चर्स को कॉज करते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। स्पाइरल फ्रैक्चर, स्पाइरल फ्रैक्चर लीजिए, लाइक स्पाइरली फ्रैक्चर होते जाएगा कंटिन्यू वहाँ पे, इस तरह से वहाँ पे एक्सरे इमेज में आपको देखने को मिलेगी एक ही जगह बोन में कई जगह आपको स्पाइरल फ्रैक्चर देखने को मिलेगी। देन स्ट्रेस फ्रैक्चर, कंटिन्यू अगर स्ट्रेस हैवी स्ट्रेस, अगर किसी को हैवी स्ट्रेस है कंटिन्यू वहाँ पे रिपीट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कैन फ्रैक्चर इन बोन, मतलब कंटिन्यू रिपीटेड होते रहेगा स्ट्रेन एंड इसमें जिसकी वजह से कारण बन सकते हैं फ्रैक्चर के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट जैसे कि वही है उसी में, दिस इज ए कॉमन ट्रस्टेड सोर्स अमंग एथलेटिक, मतलब जितने भी एथलेटिक स्टूडेंट्स रहते हैं एथलेटिक चैंपियन रहते हैं उसमें ज़्यादातर स्ट्रेस फ्रैक्चर का कारण देखने को मिल सकती है। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, दिस इज द स्ट्रेट ब्रेक अक्रॉस द बोन, मतलब वहाँ पे स्ट्रेट ब्रेक पहले वहाँ पे क्रॉस होने का अक्रॉस द बोन वहाँ पे फ्रैक्चर होने का चांसेस वहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसी तरह से ये अपना टॉपिक जो कि फ्रैक्चर के ऊपर है टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, इसी तरह से इस वीडियो में हम लोग ये भी कर देखते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो जो हमारा इसके फर्स्ट एड मैनेजमेंट के ऊपर देखेंगे, तो इसी तरह से नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी वो फर्स्ट एड मैनेजमेंट के ऊपर रहेगा, फ्रैक्चर ऑफ फर्स्ट एड मैनेजमेंट। सो इसी तरह से आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।